फतेहाबाद के रहने वाली दो मां बेटी में मिले कोरोना के लक्षण। कुछ दिन पहले ही दुबई से लौटी हैं दोनों मां बेटी। स्वास्थ्य विभाग की ओर से दोनों मां बेटी के सैंपल लेकर भेजे गए रोहतक लैब। दोनों मां बेटी को एहतियात के तौर पर घर में ही रखा गया। मां बेटी को थी जुकाम और खांसी की शिकायत, इसी के चलते स्वास्थ्य विभाग ने लिए सैंपल। 3 दिन में आएगी सैंपल की रिपोर्ट। नागरिक अस्पताल के CMO मनीष बंसल ने की मामले की पुष्टि। कहा, मां बेटी के लिए गए हैं सैंपल। रिपोर्ट आने के बाद ही स्वास्थ्य विभाग कर सकता है कोरोना की पुष्टि। फतेहाबाद के स्वास्थ्य विभाग के द्वारा आज कोरोना के लक्षण दिखाई देने पर मां बेटी के सैंपल लिए गए। दोनों सैंपलों को जांच के लिए रोहतक PGI में भेज दिया गया है। बताया जा रहा है कि दोनों मां बेटी कुछ ही दिन पहले दुबई से लौटी थी। आज जब वो फतेहाबाद के नागरिक अस्पताल में स्क्रीनिंग करवाने के लिए पहुंची तो दोनों मां बेटी को जुकाम और खांसी से पीड़ित मिली, जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग की ओर से दोनों मां बेटी के सैंपल ले लिए गए, जिसे रोहतक PGI भेजा गया है, जहां से करीब 3-4 दिन में जांच रिपोर्ट आ जाएगी। तब तक के लिए दोनों मां बेटी को परहेज करने और घर पर ही रहने की सलाह दी गई है। इस संबंध में जब फतेहाबाद के सिविल सर्जन डॉक्टर मनीष बंसल से बात की गई तो उन्होंने कहा कि फतेहाबाद में अब तक कोरोना का एक भी मामला सामने नहीं आया है। स्वास्थ्य विभाग के द्वारा आज दो मां बेटी के सैंपल लिए गए हैं, जिसे जांच के लिए लैब में भेजा गया है। रिपोर्ट आने के बाद ही स्वास्थ्य विभाग के द्वारा आगामी कदम उठाए जाएंगे। वहीं CMO के द्वारा लोगों को एहतियात बरतने की बात कही गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, A1 हरियाणा। जा रहा है कि माँ बेटी आई दुबई से, आया जी कुछ इस तरह का? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। अभी सैंपल जब तक रिपोर्ट पॉजिटिव या नहीं आती तब तक कुछ भी कहना मुश्किल है। तो सैंपल वगैरह लिए गए हैं जी? जी हाँ, 2 सैंपल हमने आज भेजे हैं। और बाकी मेरे लोगों से विनती है कि वो इससे डरे नहीं, छोटे से प्रिकॉशंस हैं जो उनको लेने हैं। अगर किसी को खांसी जुकाम है तो वो अपने आप को दूसरे से दूरी बनाए रखें, कम से कम 1 मीटर, जिससे इन्फेक्शन दूसरों को न हो। बहुत सारे वायरल इन्फेक्शन्स होते हैं जो इसी तरीके से फैलते हैं, और अगर वो प्रिकॉशन रखेंगे तो ट्रांसमिशन उससे रुकता है। और ये सिर्फ कोरोना के लिए ही इफ़ेक्टिव नहीं, ये हर तरह के वायरल उस बुखार के लिए इफ़ेक्टिव है जो खांसी के ज़रिए होता है, और खांसी ही जिससे फैलाती है। तो आज मां बेटी के सैंपल लिए गए हैं सर? जी।